जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। दोस्तों, यूपीएससी 2022 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जब बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है तो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन लगती है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जब प्रेजेंट किया जाता है राष्ट्रपति के पास, तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है, उनको अपनी एसेंट देनी ही पड़ती है। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल दोनों ही हाउस में पास होना चाहिए और यहाँ पर जॉइंट सीटिंग का कोई भी प्रोविजन नहीं है। तो देखिए क्या है कि जो बिल है, काफ़ी अलग अलग तरीके के बिल हमें देखने को मिलते हैं। ऑर्डिनरी बिल होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है, फाइनेंस बिल होता है, मनी बिल होता है। फाइनेंस बिल के तो दो टाइप होते हैं। तो इस तरीके से वेरियस बिल्स होते हैं और इसके जो फीचर्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बलबूते पर हमें जो क्वेश्चंस है उनको तैयार करना होता है। और उसी के साथ साथ ये भी देखना होता है कि जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं उन टॉपिक्स पर और कैसे भिन्न तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फ्रेम किए जा सकते हैं। तो इसीलिए पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंस बिल, मनी बिल, ये सारे बिल हम एक साथ यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पूरा टेबल मैंने यहाँ पर सजाया हुआ है जहाँ पर सभी फीचर्स आपके हो जाएंगे। तो मतलब दो मिनट के अंदर अंदर आप इस पर नज़र डालोगे और आपके सारे जो बिल है वो यहाँ पर कवर हो जाएंगे। लेकिन हम इस पर जाएं, इससे पहले मैं आपको MM Academy ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ। आप MM Academy ऐप जो है ये डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, पूरा GS 1, 2, 3, 4 सभी कोर्सेस अवेलेबल है। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है प्लस लोवेस्ट प्राइजेस है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इतना हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट इतने कम प्राइजेस में और आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और अगर देखने को मिलता है तो जो भी कोर्स आपको ख़रीदना है वो मैं आपको परचेस करके दूंगा। शर्त है कि इतना हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट प्लस इतने कम प्राइजेस में आपको और कहीं पर मिल जाए। तो ये यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, सभी पर्सपेक्टिव से है। प्लस आपको यहाँ पर पर्सनल गाइडेंस जो है वो भी दिया जाता है। कंसाइज नोट्स मिलते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो इसी तरीके के नोट्स आपको मिल जाएंगे। डाउट क्लियरेंस होता है, सब कुछ यहाँ पर होता है। आपको डाउनलोड करना है MM Academy ऐप और डेमो लेक्चर भी आप वहाँ पर देख सकते हो। तो डाउनलोड कीजिए MM Academy ऐप और वीडियोज़ को एन्जॉय कीजिए। तो आइए यहाँ पर सभी बिल्स को हम एक साथ कम से कम समय में रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पढ़ना कैसे होता है ये भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको देखना है कहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बनाया जा सकता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्योंकि क्या है कि आप जो क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है यूपीएससी के लिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। उसके लिए टास्क ये नहीं है कि कौन से सही है वो सजाना, उसके लिए टास्क ये है कौन से इनकरेक्ट कैसे बनाना, कि कैसे बनाऊँ मैं इनकरेक्ट कोई भी स्टेटमेंट को। तो उसके लिए हमें यहाँ पर समझना होगा आप खुद कैसे इनकरेक्ट बना सकते हो, उस हिसाब से कैसे। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बिल है तो कौन से हाउस में किया जा सकता है, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यहाँ पर इनकरेक्ट कैसे बनाया जा सकता है कि सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा या फिर सिर्फ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है, मिनिस्टर भी या प्राइवेट मेंबर भी। तो यहाँ पर आ सकता है कि ओनली प्राइवेट मेंबर या ओनली मिनिस्टर, है ना। यहाँ पर आ सकता है कि ओनली लोकसभा। देन आता है प्रायर परमिशन लगेगी प्रेसिडेंट की, जी नहीं, यहाँ पर प्रायर परमिशन नहीं लगेगी। तो यहाँ पर आ सकता है यस, प्रायर परमिशन लगेगी, इनकरेक्ट ऐसा बनाया जा सकता है। देन पासिंग बोथ दी हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, यहाँ पर कोई इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं बनाया जा सकता है। ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान है क्या, जी नहीं, ज्वाइंट सीटिंग का नहीं है। और यहाँ पर आ सकता है कि हाँ, ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान यहाँ पर दिया गया है, ऐसा आप इनकरेक्ट स्टेटमेंट बनाया जा सकता है। प्रेसिडेंट जो है मस्ट गिव हिज एसेंट, यहाँ पर विथहोल्ड नहीं कर सकते, रिटर्न नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पर भी इनकरेक्ट बनाने की संभावना कम हो जाती है। तो अब यहाँ पर देखिए कितने खूबसूरत तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि भाई इन विच ऑफ द हाउस, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ओनली आ रहा है, ओनली आ रहा है तो वैसे ही हम सतर्क हो जाते हैं, गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी ओनली, मतलब ये दो जो है ये दो इनकरेक्ट बनाने की संभावना खत्म हो जाती है, ठीक है। तो कौन से हाउस में, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट, इसमें हो सकता है कि जी नहीं। एंड देन कौन कर सकता है, मिनिस्टर भी, प्राइवेट मेंबर भी, मतलब जो भी है सभी कर सकते हैं। प्रायर परमिशन लगेगी प्रेसिडेंट की, जी नहीं, प्रायर परमिशन नहीं लगेगी। यहाँ पर बनाया जा सकता है यस, यहाँ पर हो सकता है कन्फ्यूजन कि हाँ यार, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, संविधान है, उसके बारे में राष्ट्रपति भी देखते हैं, तो इसलिए क्या प्रायर परमिशन लगेगी, तो जी नहीं, यहाँ पर नहीं लगती है, ठीक है, मनी बिल को लगती है। पासिंग बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ईजी है। ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान, यहाँ पर ये भी है कि दोनों हाउसेज से होना चाहिए, ज्वाइंट सीटिंग हो सकता है, जी नहीं, ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान यहाँ पर नहीं है। बस दो आपको पता चल गया, दो कहाँ पर खेले जा सकता है, प्रायर परमिशन और ज्वाइंट सीटिंग दो में खेल सकती है यूपीएससी एग्जामिनर, दो आपको पता है, बहुत अच्छे तरीके से आपने दिमाग में बिठा लिया, है ना, बस खत्म। देन आते हैं ऑर्डिनरी बिल पर। अब जब हम ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहे हैं तो ऑर्डिनरी बिल आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में आ जा सकता है, मिनिस्टर, प्राइवेट मेंबर दोनों के द्वारा लाया जा सकता है। प्रायर परमिशन लगेगी क्या, जी नहीं, नहीं लगेगी। अब यहाँ पर समझना बहुत ईजी, यहाँ पर भी नहीं इनकरेक्ट बनाया जा सकता है, यहाँ पर भी नहीं बनाया जा सकता है, यहाँ पर भी नहीं बनाया जा सकता। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पॉलिटी पढ़ी है तो आपको समझना है ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी तो मतलब भाई क्यों प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लगेगी।
पासिंग बोथ दी हाउसेस ये भी बहुत ईजी है। जॉइंट सीटिंग का प्रावधान, बिल्कुल जॉइंट सीटिंग का प्रावधान है ना। और यहाँ पर अपनी ऑर्डिनरी है यार, ऑर्डिनरी बिल ऑर्डिनरी हिसाब से चलेगा, तो यहाँ पर कोई भी मतलब क्वेश्चन पूछने की संभावना ही खत्म हो जाती है। देन आते हैं मनी बिल। मनी बिल है तो आपको ये पता है कि भाई लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है सर, ठीक है। तो यहाँ पर आ सकता है ओनली लोकसभा, ओनली लोकसभा, तो यहाँ पर आप सतर्क हो जाओ कि भाई ओनली पूछा गया है तो इनकरेक्ट होगा। जी नहीं, सिर्फ लोकसभा में हो सकता है। किसके द्वारा? ओनली मिनिस्टर, ओनली मिनिस्टर, अगेन मिनिस्टर आ गया, अगेन ओनली आ गया। प्राइवेट मेंबर के द्वारा नहीं किया जाता, पैसे का मामला है भाई, पैसे का मामला थोड़ी प्राइवेट करेगा। देन उसके बाद यहाँ पर प्रायर परमिशन, यस प्रायर परमिशन भी लगती है। पासिंग, राज्यसभा के पास पावर ही नहीं है, ठीक है, इतनी इसलिए जॉइंट सीटिंग का प्रावधान होगा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ पर खेला जा सकता है यस, जॉइंट सीटिंग का प्रावधान है। जी नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि राज्यसभा के पास पावर ही नहीं है, है ना, एसेंट देना ही पड़ता है। देन फाइनेंस बिल वन, फाइनेंस बिल वन इज सिमिलर टू दैट ऑफ मनी बिल, ठीक है, सिमिलर टू दैट ऑफ मनी बिल। तो इससे लोकसभा में ही हो सकता है, मिनिस्टर ही कर सकते हैं, ये भी है। मस्ट पास बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड यस, जॉइंट सीटिंग का प्रावधान है। अलग क्या है सिर्फ? जॉइंट सीटिंग का प्रावधान यहाँ पर फाइनेंस बिल, दोनों ही फाइनेंस बिल में जॉइंट सीटिंग का प्रावधान जो है वो देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है? तो मतलब यहाँ पर क्या है, फाइनेंस बिल के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों इक्वेट हो जाते हैं। कब? जब राज्यसभा में बिल जाता है, ठीक है, बाकी सारे इसमें ये मनी बिल की तरह ही है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान। देन फाइनेंस बिल टू की अगर हम बात करते हैं, फाइनेंस बिल टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये मतलब ऑर्डिनरी बिल की तरह हो जाता है। फाइनेंस बिल टू ऑर्डिनरी बिल की तरह कि आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मिनिस्टर के द्वारा हो सकता है एंड प्रायर परमिशन लगेगी, जी नहीं, नहीं लगेगी, एंड मस्ट पास बाय बोथ द हाउसेस एंड यस, जॉइंट सीटिंग का प्रावधान जो है वो हमें देखने को मिलता है। खत्म बात। ये इतने से इसमें आपके पूरे बिल जो है वो रिवाइज हो गए। तो इस तरीके से आपने नोट्स जो है अपने बनाने हैं भाई साहब, इस तरीके से, जिससे कि एकदम एकदम ज़बरदस्त तरीके से आपके जो नोट्स है वो तैयार हो जाए और रिवीजन आपके फटाफट हो जाए। तो वीडियो पसंद आता तो शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लस यहाँ पर MM Academy ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।